हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम को। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिश्री खाने की जबरदस्त फायदे। इसके साथ जानते हैं कि किस बीमारी में किस तरह मिश्री खानी चाहिए। आप भी खाना खाने के बाद मिश्री और सौंफ का सेवन करते होंगे, तो आज मैं आपको इसके जबरदस्त फायदे बताने जा रही हूँ और किस बीमारी में किस तरीके से लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए आप मिश्री का सेवन वैसे ही कर सकते हैं, उसको किसी और चीज के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा माउथ से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए मिश्री और सौंफ को मिक्स करके लीजिए। अगर आपके गले में खराश रहती है, गला खराब रहता है, तो मिश्री वाला पानी पीना बहुत फायदेमंद है। जिनके गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, उनको मिश्री और इलायची पीस कर मक्खन में मिक्स करके लेनी चाहिए। इसके अलावा जिनके पेट में दर्द रहता है, डायरिया की प्रॉब्लम है, उनको मिश्री के साथ इलायची का सेवन करना चाहिए। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, उनको एक चम्मच मिश्री, 10 काली मिर्च, 10 पत्ते तुलसी के मिक्स करके और उसमें चाय तैयार करनी है। आपको एक कप पानी मिक्स करके और इसमें जरा सी अदरक डालकर पीना है। ऐसा करने से साइनस ठीक होता है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है, उनको मिश्री और मक्खन मिक्स करके लेना चाहिए। ये है इसके साफ जबरदस्त फायदे और किस बीमारी में किस तरीके से लेना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।